मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोस इस रिएक्शन में। सो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सालार मूवी के पार्ट 3 सीन पे। हाँ, और इससे पहले हमने जो सीन देखा उसमें प्रभास सर की मास एंट्री हो चुकी है, तो अब देखते हैं आगे आने वाले सीन में क्या होता है। तो सबसे पहले हमें सीन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बदले की भूख आ गए, कोई और भूख ना लागे, मैं जाऊं मुगरी संत कांत को नहीं मिलियो, पर भी की छोरी आई है, मारा लोग भी ने पकड़ को नहीं पाया, पर बजट्ठे भी है, ढूंढ के तेरे धोले लाऊंगी, बदलो लेनो है तो जिंदा रहना जरूरी है ना रमा। लड़की को ढूंढने से भी पहले तो उसे इंडिया से बाहर जाने से रोकेंगे। लड़की के खिलाफ केस फाइल कर। ऐसा केस ही होगा सर, मर्डर केस बना। मर्डर? वो कौन किसका मर्डर? प्लीज माफ कर दो ना भाई। ओ अपना काम कर, एक नकली केस बनाकर वो पुलिस और एम्बेसी में खबर भेजेंगे। You gotta take a look at this. Ajay Krishnakant, 28 years old, US national, murdered JC Bhagat, Varanasi outskirts. Hey, अपने आदमियों से कहो कोना कोना छान मारे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवे, बॉर्डर, उनके आदमी हर जगह होंगे। वो बचनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई। वो कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं और वो इस गाड़ी को पहचानते हैं, जल्दी तोड़ दो इसे। एक सीसीटीवी में दिखी है सर, उन्होंने एक गोडाउन में उस गाड़ी को छोड़ा और एक ब्लैक टाटा सफारी में निकल गए। लड़की को ढूंढने के लिए उनकारीवा ने हजारी को बोला है ना, तो फिर हम क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं ना उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ ना उसके बाप कृष्णकांत को, पिछले 7 साल से मैं सिर्फ उसे ढूंढ रहा हूँ। देश के कोने कोने में देखा, इंडिया के एक एक सीसीटीवी का एक्सेस हमारे पास है, पर वो कभी किसी में पकड़ा नहीं गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। लेकिन उसका उस लड़की से क्या संबंध है? संबंध है, वो लड़की जहाँ होगी वो भी वही होगा। पहले वो गाड़ी ढूंढो। अलग ही कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। Children, take class, take care.
नहीं हो गई। बच्चे अगर पढ़ना नहीं चाहते तो आप जबरदस्ती क्यों कर रही है? कल से स्कूल में भेजूंगा, जो करना है कर लीजिए। कोयला डाल के जला दूंगी। तुम खुद गलत कर रहे हो, उन्हें भी अपना जैसा बनाना चाहते हो। ए, कल से सब के सब स्कूल आएंगे, समझ गए? ये पागल की तरह दिखती है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। इस गांव के सभी लोग कोल माइन में काम करते हैं, उनके बच्चे भी यहीं पे कूली का काम करते थे। 4 साल पहले ही टीचर यहाँ आई और इस टूटे फूटे स्कूल को गांव वालों के हाथ पैर जोड़कर ठीक करवाया। तब से ये टीचर इन बच्चों को यहाँ पढ़ाती है। अब एक और कैंडिडेट के बारे में बताता हूँ। माता जी ऐसी है पर इनका बेटा तो कुछ अलग ही है। अबे वो अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? अरे भाई गलती तेरी है। कोई बात नहीं चाचा, सॉरी भाई, मैं भी चले चुना हूँ। पर वो है तो खंबे की तरह, पर कोई कुछ भी बोले वो चुपचाप सुनता है और निकल जाता है, ना किसी से मिलता है ना बात करता है। लेकिन जब बच्चों के साथ होता है तो वो भी बच्चा बन जाता है। दे दिया जैसे एक बैट्समैन को बोले फोड़ने का काम देते ना, तो एक ही फटके में। तेरी बॉल पे 6 मारा और तू सल्यूट कर रहा है। छी, तू हमारे साथ ही खेलता है, तेरे और फ्रेंड्स नहीं है क्या? बिलाल ने बोला कि आज मैं जा सकूं। Stop it! Nobody can teach any of you! I say you! Why are you doing this to me?
बच्चों, टीचर आज बहुत थकी हुई है, क्लास नहीं ले पाएगी, मार्केट जाकर लाइट्स लाएगी। सो गाइज ये था सीन, और सीरियसली मतलब काफी कमाल का ये सीन था। और सबसे एंड वाला जो मतलब पार्ट था इसके अंदर के, जब मतलब प्रभास सर को गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो कुछ करते नहीं है, और वो अपना सारा गुस्सा एक लोहे के जो आप बोल सकते हो पोल के ऊपर निकाल देते हैं, उनके पूरी मतलब फिंगरप्रिंट्स वहां पे आ जाती है। तो सीरियसली वो सीन मुझे काफी कमाल का लगा। और जिस तरीके से, जैसा कि हमने पिछले सीन में भी बोला था कि जिस तरीके से स्टोरी को बिल्डअप किया जा रहा है अभी तक, कि इतना सारा कंफ्यूजन हो रखा है। वैसे अगर आप ये मूवी पहली बार हमारे साथ देख रहे हो, तो अभी हम आपको कुछ भी रिवील नहीं करेंगे, बाकी हमें तो पता है कि इसमें आगे क्या हुआ था, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हो हाँ, तो ये जो बिल्डअप होने वाला है, जो आगे आने वाले सीन है, वो और भी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं सीरियसली। और जिस तरीके से जो कंफ्यूजन बना हुआ है कि सब कुछ एक के पीछे क्यों लगे हुए, और एक जो औरत है वो इतनी पागल क्यों हो रखी है उसको पकड़ने के लिए, अब वो नहीं आया तो उसकी बेटी सही, तो क्यों लोग इसके पीछे पड़े, और कुछ लोग देवा को भी ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ढूंढ रहे हैं, तो आगे आने वाले सीन में 7 साल तक देवा क्यों कहीं छुपा हुआ था, वो सारा कुछ हमें आगे आने वाले सीन में पता लगेगा। बाकी इस सीन की बात करूं तो मुझे ये सीन टोटली काफी कमाल लगा। और जब वो सीन दिखाते हैं, जब वो पास्ट वका उनके उनकी माँ के दिमाग में जब उनके पास्ट का चलता है, तो वो जिस तरीके से ब्रूटली सबको मार रहे होते हैं, वो सीन भी काफी कमाल का था। और प्रभास जैसे सब बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक्टिंग उनकी कमाल की नहीं है, लेकिन जब उनकी आंखें दिखाई जाती है, उनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही होती है, इतनी कमाल के वो मतलब आंखों से वो सब कुछ बयां कर देती है कि वो कितने गुस्से में और कितना कुछ वो सोच रहे, तो ये मतलब एक्टिंग के अंदर ही आता है। तो आंखों से इतनी कमाल की एक्टिंग कर सकते हैं, तो मतलब खुद से तो वो कर ही सकते होंगे, लेकिन ओवरऑल इस सीन की बात करें तो हमें ये सीन बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आगे आने वाले सीन हम जल्दी ही रिएक्शन लेके आएंगे, तो प्लीज आप इस चैनल पे बने रहिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही इस चैनल पे बनाए रखिए। सो गाइस अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।